ये तो नहीं वनवास के समय थे महाराज, तो उस समय वनवासी लोग क्या बोल रहे थे, बोले ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले इन बासन बसन चुराई। देख लो, बोले हमारी सेवा क्या है, बोले हमारी सेवा यह है कि हम आपके महाराज वस्त्र चोरी नहीं करेंगे। कितनी बढ़िया बात है। और राम जी बड़े हंसे, आदिवासी लोग ऐसा बोल रहे। रामचरितमानस आपने शायद पाठ किया या सुना होगा कथा के माध्यम से। तो कहने का मतलब यह है कि सेवा ये भी कर सकते, मानसिक सेवा, अपने द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं हुए, अपने द्वारा किसी को भी दुख नहीं हुए, अपने द्वारा किसी को भी दुखदायी परिस्थिति नहीं हुए, ये बहुत बड़ी सेवा है। एक बार परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज गीता भवन ऋषिकेश में बड़ी सभा के बीच में एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि भजन क्या है। क्या पूछा? भजन क्या है? भजन। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि महाराज भजन तो मंदिर जाना, सत्संग करना, कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, ठीक है। लेकिन मूल में किसी एक ने कहा कि महाराज किसी को दुख नहीं देना। बोला हाँ, ये बात भी, ये बात किसी आप में से उठ करके जब स्वामी जी महाराज से ये बात कही, बोले किसी को दुख नहीं देना। बोले हाँ, ये भजन है। अब अपने लोग क्या करते हैं, रामायण पाठ, गीता पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन, आना जाना सब, लेकिन अपने द्वारा किसी को कष्ट हो रहा है, इस तरफ ध्यान बहुत कम है। और मेन बात देखा जाए, इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है कि भाई अपने द्वारा किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। मैंने बात बताई ना। अब बताओ, वनवासी लोग उनके पास बेचारे के पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, लेकिन उनके अंदर भी ऐसी वृत्ति, ऐसी भावना राम जी के प्रति कि महाराज ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, कि ले न बासन बसन चुराए, महाराज हम सेवा ये कर देंगे कि आपका जो सामान है उसको हम चोरी